मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो इज ऑडिबिलिटी एंडिबिलिटी जल्दी से कंफर्मेशन दे दो इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सुलटली फाइन अभी साउंड आ गया है अ वेरी गुड मॉर्निंग टू कॉल ऑफ इज कैसे हैं आप सभी जल्दी से मुझे बता दीजिएगा इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कुशाल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग उपांशु गुड मॉर्निंग सामंत गुड मॉर्निंग अजय गुड मॉर्निंग आप सभी को भी चलो नए साल की पहली क्लास नए साल की पहली क्लास और पहली क्लास में करेंगे कुछ धमाल ठीक है पहली क्लास में करने वाले हैं कुछ धमाल तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को विदाउट एनी डिले हम अपने सेशन को विदाउट एनी डिले उससे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और चाहूंगा कि आपका नया वर्ष एकदम ब्राइटफुल हो आपका हेल्दी हो प्रोस्पेरस हो और आप अपने सपनों को अचीव कर सकें यहां से इस साल के साथ ही ठीक है इस साल के साथ ठीक है चलो तो ये कंडीशन निकल के आ रही है तो यहां पर हम बात करेंगे आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले विदाउट एनी डिले ठीक है आज बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो साउंड का कल से ये साउंड ठीक हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो साउंड का कल से हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा ठीक है चलो ओके 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो ठीक है स्टार्ट करेंगे सेशन तो विदाउट बिल्कुल उपांशु आपकी बात बिल्कुल मान ली जाएगी एक प्लेलिस्ट अलग से मैं बोल दूंगा सर को तो अलग से एक प्लेलिस्ट हम बात करते हैं ले शुभकामनाएं है। और जितने भी बर्थडे आ रहे हैं जितने भी त्योहार आ रहे हैं उन सभी की पहले से एडवांस में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ठीक है चलिए स्टार्ट करें चलिए स्टार्ट करें

अच्छा ये बताओ लाइट जो है वो पहले से बेटर लग रही है तुम्हें ठीक है लाइट जो है अगर हम देखें कल के सेशन और आज के सेशन में तो लाइट बेटर लग रही है या नहीं मजेदार लग रही है या नहीं ठीक है साउंड भी और बेटर होने वाला है टेंशन मत लो साउंड भी और बेटर होने वाला है एक दो दिन का टाइम दो दे मेरे को ठीक है 2024 की प्लेलिस्ट अलग से बना देते हैं दो से अच्छा ठीक है तुम जैसा बोलो वैसा वैसा करते जाएंगे ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा भैया यहां पर देखना है, के लिए फ्लो एंड फ्लो देखो, अगर फ्लो है तो डार्सीज लॉ को फॉलो कर रहा है।, है तो फ्लो को फॉलो कर रहा है और लेमिनार फ्लो के लिए सॉइल के अंदर रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए लेमिनार फ्लो के केस में कितना होना चाहिए ठीक है तो हम बात करते हैं यहाँ पर

डार्सी लॉ बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा डार्सी लॉ क्या नहीं होगा बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा और डार्सी लॉ फॉलो नहीं होगा तो ये कहानी गड़बड़ हो जाएगी तो अगर अब मैं बात करूं तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही है जो करेक्ट ऑप्शन निकल करके आ रहा है केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है मतलब स्टेटमेंट वन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा होता है तो यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट की तो फर्स्ट के लिए हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करो फटाफट से हाँ भैया सभी को हैप्पी न्यू ईयर ठीक है अब यहां पर फोकस करो और सेशन को शेयर करो फटाफट से।, से सेशन को शेयर कर दो फटाफट से ठीक है अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स वेज थ्योरी अगर कूलाम्स वेज थ्योरी की बात करते हैं द एक्टिव अर्थ प्रेशर स्लाइड्स द वेज अगर हम एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करते हैं स्लाइड्स द वेज कहां पर स्लाइड करेगा ठीक है एक्टिव अर्थ प्रेशर कहां पर स्लाइड करेगा फटाफट बताओ एक्टिव अर्थ प्रेशर कहां पर होगा

रिटेनिंग बॉल हमारा क्या होगा अवे फ्रॉम मास अवे फ्रॉम सोयल मास मास से क्या होगा बाहर की तरफ जाएगा किसमें एक्टिव स्टेट में एक्टिव स्टेट में, में बाहर की तरफ जाएगा अगर एक्टिव स्टेट में बाहर की तरफ जाएगा तो ये जो पूरा का पूरा वेज दिखाई दे रहा है ये जो पूरा का पूरा का तुम्हारा वेज दिखाई दे रहा है ये क्या होगा ये नीचे की साइड पे स्लाइड करेगा इस तरीके से तो इसकी स्लाइडिंग जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और कहां पर होगी हम बात करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल करके आउटवर्ड यानी बाहर की साइड भागने की कोशिश करेगा डाउनवर्ड और बाहर की तरफ लेकिन इस पे जो शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं वो कहाँ होती हैं ध्यान देना अगर इस शेयर स्ट्रेसिस जनरेट होती है तो शेयर स्ट्रेसिस कहाँ होती है ऊपर की तरफ जनरेट हो रही होती है तो अगर हम बात करें शेयर स्ट्रेसिस कहाँ होती है हम बात करें इनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होती है शेयर स्ट्रेसेस कहा इनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में हम बात करते हैं यहाँ पर निकल करके आ रहा होता है इसलिए अगर मैं बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टली इनवर्ड इनवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा कहा होगा इनवर्ड इनवर्ड नहीं होगा कहा होगा डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑन द स्लिप सरफेस स्लिप सरफेस का मतलब है यहाँ पर जो ओ ए सरफेस है इसको मैं क्या बोलता हूँ स्लिप सरफेस बोल रहा होता हूँ इसको हम क्या बोलते हैं स्लिप सरफेस बोल रहे होते तो ये हमारा स्लिप सरफेस निकल करके आएगा ये हमारा क्या होगा स्लिप सरफेस निकल करके आएगा और ध्यान दीजिएगा हमारी क्लास डेली कब चलती है सुबह दस बजे मंडे टू फ्राइडे सुबह दस बजे चलती है और सैटरडे संडे को हमारी सुबह ग्यारह बजे होती है लेकिन आज से आपकी जो मास्टर क्लास है आज से आपकी मास्टर क्लास सुबह साढ़े ग्यारह बजे होने वाली है कितने बजे होगी सुबह साढ़े ग्यारह बजे होने वाली है आज से जो मास्टर क्लास होगी वो दो बजे ना हो करके कितने बजे होगी सुबह साढ़े ग्यारह बजे होगी ठीक है तो ये चीज ध्यान रखो सभी लोग सुबह साढ़े ग्यारह बजे बिल्कुल झटाक तरीके से यहां पर मुझे मिल जाना ठीक है अब पैसेप के केस में क्या होगा के केस में जो होता है देखो के, के केस में इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो के मतलब ऊपर की, 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 की डायरेक्शन में और इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ऊपर की डायरेक्शन में और इनवर्ड की डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर रहा होता है तो ये कहानी निकल करके आती है भैया सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं ठीक है तो यार नब वर्ष पे दो लाइने तो, तो बनती है क्या बोलती है पब्लिक नब वर्ष पे दो लाइने तो बनती है क्या बोलती है इर्शाद हो जाए हो जाए अरे नए साल पे दो लाइन बोल सकते हैं क्या बिल्कुल है। तो सुनो यार कि ना चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिशें दफन कीजिए ठीक है जितनी भी ख्वाहिशें है उनको आज बिल्कुल लिख लो यार आज लिख लो कि इस साल के अंदर हमें और ऐसी ख्वाहिशें लिखना कि जो अचीव कर पाओ वरना किसी ने लिख दिया कि मुझे 2023 हजार तेईस में जाकर तेईस को बदलना है तो ऐसी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो ठीक है तो तो अगर हम बात करेंगे बिल्कुल तो चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए और चार दिन की है जिंदगी साहब सुनना पूरी बात को कि न ख्वाहिश न चादर बड़ी कीजिए ना ख्वाहिशें दफन कीजिए और चार दिन की है जिंदगी बस चैन से बसर कीजिए और ना परेशान किसी को कीजिए ना परेशान किसी को कीजिए मतलब पास्ट में अगर किसी को परेशान किया है तो आज जा करके तुम गले मिल लेना और और बोलना यार ठीक है अब आगे की चीजें हम बहुत अच्छे से करते हैं ठीक है तो ना परेशान किसी को कीजिए ना हैरान किसी को कीजिए ना परेशान किसी को कीजिए ना हैरान किसी को कीजिए कोई लाख गलत बोले भी या फिर कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराइए और छोड़ दीजिए बस मुस्कुराइए और छोड़ दीजिए समझे बात बात को तो सिंपल सी बात है यार हंसकर जिंदगी निकालोगे ना तो बहुत आसान हो जाती है कोई कुछ बोल रहा है तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो नहीं हो ये ठीक है हो हो जाएगा यार, हो जाएगा यार लेकिन उस चीज को यहां पर मत चढ़ाना कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए और अगले दो घंटे तुम्हारे बर्बाद हो जाए ठीक है तो एक छोटी सी सीख मेरी तरफ से मुस्कुराइए क्योंकि आप दो में सिंपली सर एंड जस्ट माइंड योर विशेष अपनी ख्वाहिशों को दिमाग में रखिएगा बाकी सब भूल जाइएगा ठीक है मुस्कुराओ छोड़ दो सर वो तो रिजल्ट बताएगा अंकल जी शर्मा जी को बोल देना अंकल जी वो रिजल्ट बताएगा आप अपने बेटे का बोल रहे हो हाँ वो रिजल्ट बताएगा मेरा ठीक है कि क्या होगा क्या नहीं होगा इस साल रिजल्ट बोलेगा मैं नहीं बोलूंगा कुछ मैं मुस्कुराऊंगा और छोड़ दूंगा मैं मुस्कुराऊंगी और छोड़ दूंगी इस साल रिजल्ट बताएगा कि क्या होने वाला है ठीक है ना चलो बहुत बढ़िया तो हम आगे सेकंड नंबर की बात करेंगे सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा सेकंड नंबर का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर होगा ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर इस तरीके से निकल करके आएगा ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो थर्ड नंबर की बात करेंगे यहाँ पर और जिंदगी में किचकिच छोड़ दो यार किचकिच छोड़ दो बस आइडेंटिफाई टाइप ऑफ फाउंडेशन दस नॉट कम अंडर द क्लास ऑफ डीप फुटिंग अगर हम आते हैं डीप फाउंडेशन के अंदर निकल करके आएगा तो नॉट कम अंडर द क्लास ऑफ डीप फुटिंग डीप फुटिंग के अंदर नहीं आएगा मेरे ख्याल से यार ये स्वाइल वाली पीडीएफ अपलोड हो गई है

राफ्ट फाउंडेशन की बात करेंगे राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कब करते हो अगर ड्राफ्ट फाउंडेशन की बात करेंगे जब हमारा सॉइल वीक होता है जब हमारा सॉइल वीक होता है तो उस कंडीशन में राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं दूसरा जब हम बात करते हैं टोटल फाउंडेशन का जो एरिया आ रहा है प्लॉट साइज के 50 से ज्यादा आ रहा है टोटल फाउंडेशन का एरिया प्लॉट साइज के 50 परसेंट से ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है हम बात करते हैं, हम आपर, करते हैं तो इस तरीके से उसके ऊपर चेयर रख देना तो ये राफ्ट फाउंडेशन एक नॉर्मल एक फुटिंग हो गई उसके ऊपर नंबर ऑफ कॉलम रेस्ट कर रहे हैं ठीक है राफ्ट फाउंडेशन का एग्जाम्पल अच्छा राफ्ट फाउंडेशन के केस में टेरजागी के द्वारा अगर मैंने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाली तो फॉर्मूला याद है जल्दी दिमाग में याद करो क्या होता है अगर राफ्ट फाउंडेशन के द्वारा टेरजागी के फॉर्मूले से बियरिंग कैपेसिटी निकाली तो क्या होता है दिमाग में जल्दी से याद करो फटाफट से क्या होता है अगर मैं लिख रहा हूं इसको तो क्यू यू इज इक्वल टू कितना वन माइनस जीरो पॉइंट हम बात करेंगे यहां पर इनटू सी एन सी प्लस हाफ वन माइनस कितना होगा ये होता है वन प्लस जीरो पॉइंट थ्री ठीक है कितना बी गामा एन गामा निकल करके आएगा तो बी गामा एन गामा निकल करके आएगा तो ये हमारा क्या होगा राफ्ट फाउंडेशन के, के केस में हमारा फॉर्मुला निकल करके आता है हाँ वन प्लस जीरो पॉइंट थ्री होता है वन माइनस जीरो पॉइंट टू यहां पर निकल के आया अच्छा

अगर हम बात करते हैं कोहेसिव सॉइल के केस में बिल्कुल भी अल्टीमेट सेटलमेंट नहीं देती और ये स्टेटमेंट क्या है सही क्यों सही है रे बाबा देखो अगर मैं इसका कर् बनाऊ तो पर सैंड के लिए तो मुझे इस तरीके से मिलेगा लेकिन क्ले के लिए कोहेसिव के लिए कुछ इस तरीके से मिलता है तो सैंड के केस में यहाँ पर ब्रेकिंग हो रही है तो यहाँ पर अल्टीमेट मिल जाता है या डेंस के केस में हमें यहाँ पर अल्टीमेट मिल जाता है तो क्यू यू की वैल्यू यहाँ पर निकाली जाएगी लेकिन अगर सेटलमेंट देखें तो यहां पर रहता है <laughs> तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही होती तो ये तो हमारा क्या हो गया है अगर नॉट लिमिटेशन तो हम क्या लिमिटेशन है ठीक है नॉट गिविंग द अल्टीमेट सेटलमेंट तो बिल्कुल ये लिमिटेशन निकल करके आती है ठीक है ये लिमिटेशन निकल करके आ रही होती है क्लियर है दूसरा द टेस्ट रिजल्ट रिफ्लेक्ट ऑन द करेक्टर ऑफ द स्वाइन डेप्थ लेस देन टॉइस बियरिंग प्लेट बिल्कुल अगर हम देखें तो ये भी क्या है लिमिटेशन नहीं है ये भी क्या है लिमिटेशन निकल करके नहीं आएगी क्या लिमिटेशन निकल करके आती है या हाँ या ना बोलो फटाफट से क्या हुआ पॉइस को ठीक है लिमिटेशन निकल करके आएगी क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग नहीं आएगी ना तो अगर हम बात करते टेस्ट रिजल्ट रिफ्लेक्ट ओनली करैक्टर ऑफ द दो सोइल लोकेटेड विद इन द डेप्थ और लेस देन ट्वाइस द विड्थ ऑफ द बियरिंग प्लेट बिल्कुल सही बात है लेकिन अगर डेप्थ देखा जाए तो टू टाइम्स होती है लेकिन अगर विड्थ देखा जाए पिट का विड्थ तो कितना होता है should should not not be be less less than than times times of size of 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 size size plate. plate. तो किसके लिए होता है वो पिट के साइज के लिए होता है Depth की बात नहीं है ये depth की बात है वो किसके लिए होता है पिट के साइज के लिए जो तुम गड़बड़ पकड़ रहे हो ना के टू वाला नहीं होगा वो किसके लिए वो पिट के साइज के लिए होता है ठीक है नेक्स्ट अगर द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंड एंड ग्रेवल इंक्रीजेज विद साइज ऑफ फोटिंग अगर हम बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैंड एंड ग्रेवल इंक्रीजेज तो हम बात करते हैं ये सही है

फिफ्थ की बात करो फटाफट पड़ से बहुत अल्टीमेट <laughs> क्वेश्चन बताया तो लिमिटेशन क्यों नहीं है है इन दिस प्लेट प्लेट इज लोडेड एट द फाउंडेशन फाउंडेशन लेवल बिल्कुल सही बात है, को है. पे नहीं निकालते हैं जो फार्मूला दिया था क्या बीच बीच में हर एक के लिए फार्मूला लिखा था कि सेटलमेंट में हर एक लोड के लिए निकाला था क्या नहीं ना जो अल्टीमेट होता है लोड उसी के रिगार्डिंग सेटलमेंट डिफाइन करोगे या नहीं वही फॉर्मूला लिखे थे या नहीं यस और नो समझ आया चल तो अगर हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर फिफ्थ नंबर का आंसर दो जल्दी 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 दो आंसर ठीक है तो अगर हम बात करेंगे देखो जब भी एसपीटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो देखो सबसे पहले तीन लेयर में, 150 mm के तीन लेयर में में 150 150 के के तीन हम पेंट्रेशन करते हैं But, first 150 mm के पेंट्रेशन को हम क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं अलग कर देते हैं तो हमारा एसपीटी वैल्यू जो निकल करके आएगा वो कितना आता है एन नॉट इज इक्वल टू कितनाट प्लस टेन इज इक्वल टू एटीन निकल करके आएगा बट

दो सौ अस्सी के बराबर हुआ या दो सौ अस्सी से ज्यादा हुआ तो C1 की वैल्यू सिंपली कितनी ले ली जाती है One ले ली और ये फॉर्मूला कब एन वन की वैल्यू पंद्रह से ज्यादा होगी तभी एप्लीकेबल निकल करके आएगा तभी क्या होगा एप्लीकेबल निकल करके आएगा अच्छा अगर हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें वाटर टेबल आ गई अगर हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं एसपीडी टेस्ट और उसमें वाटर टेबल आ गई तब उस केस में मुझे बताओ क्या, क्या करोगे अगर वाटर टेबल आ गई तो उस केस में क्या करोगे जल्दी बताओ फटाफट से उस केस में क्या करेंगे आप अगर वाटर टेबल आ गई तो उस केस में क्या करेंगे क्या करेंगे फटाफट बताओ मुझे अबे कुछ मत करना वाटर टेबल करेक्शन तो ऑलरेडी तुम लगा ही रहे हो ना वाटर टेबल करेक्शन तो तुम तो ऑलरेडी लगा रहे हो पंप से क्या करना अबे करेक्शन तो ऑलरेडी लगा रहे हो तो अगर हम बात करते हैं तो पानी जो भरा हुआ है उसको क्या करना निकाल देना बस पानी निकाल देना और अपना टेस्ट परफॉर्म कर लेना जो भी पिट में पानी भर गया उस टेस्ट को निकाला अच्छा इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं स्प्लिट स्पून सैंपलर क्या यूज करते हैं स्प्लिट स्पून सैंपलर को यूज करते हैं और अगर मैं स्प्लिट स्पून सैंपलर को यूज करूंगा किसको अगर मैं स्प्लिट स्पून सैंपलर को स्प्लिट स्पून सैंपलर को अगर मैं यूज करता हूं तो उस केस में मुझे बता दो उस केस में मुझे बता दो कि उसका जो हैमर होगा हैमर का फ्री फॉल हाइट कितना होता है हैमर का फ्री फॉल हाइट कितना होता है हैमर का फ्री फॉल हाइट कितना होता है अबे हाइट पूछ रहा हूं फ्री फॉल हाइट कितना होता है अगर फ्री फॉल हाइट की बात करें तो 75 सेंटीमीटर वेट कितना होता है अप्रोक्सीमेट 63.5 केजी वेट निकल करके आएगा 63.5 केजी वेट आएगा और फ्री फॉल जो होता है वो 75 सेंटीमीटर निकल करके आता है ठीक है तो फिफ्थ नंबर की बात करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर होगा सिक्स की बात करो फटाफट से सिक्स की बात करो फटाफट से फटाफट से फटाफट से हम वुस्टर्ब सैंपल किसी एक सैंपल के एरिया रेशियो के लिए क्या वैल्यू निकल करके आएगी तो देखो अगर एरिया रेशियो की बात करते हैं तो एरिया रेशियो होता क्या है आउटर डाया की स्क्वायर माइनस इनर डायामी का स्क्वायर अपॉन कितना आता है अपॉन टू और फोर अपॉन टू और फोर कुछ भी नहीं आता है क्या होता है इनर डायामीटर के स्क्वायर का हंड्रेड निकल करके आएगा तो हम बात करेंगे ये हमारा क्या होता है एरिया रेशियो और एरिया रेशियो की वैल्यू जनरली कितना दस से कम होना चाहिए दस से कम होना चाहिए दस या उससे कम निकल करके आना चाहिए और अगर देखे तो एक्सेस केस में कितना जा सकता है 20 तक जा सकता है एक्सिस केस में कितना जा सकता है 20 तक ये वैल्यू जा सकती है तो 20 तक ये वैल्यू जा सकती है तो वो हमें ध्यान रखना है ठीक है अच्छा आउटसाइड क्लियरेंस कितना होता है आउटसाइड क्लियरेंस कितना होता है आउटसाइड क्लियरेंस की बात करूंगा तो आउटसाइड क्लियरेंस कितना होता है आउटसाइड क्लियरेंस कितना होता है आउटसाइड क्लियरेंस कितना होता है आउटसाइड क्लियरेंस एक से लेकर के तीन प्रतिशत तक होता है एक से तीन और इनसाइड की बात करेंगे तो एक से दो परसेंट तक निकल करके आता है अच्छा अगर हम देखें तो एरिया रेशियो दस से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि ये शार्पनेस ऑफ कटिंग एज को गवर्न करते हैं तो हम बात करते हैं यहां पर तो शार्पनेस ऑफ कटिंग एज को ये क्या करेंगे गवर्न करेंगे अगर शार्पनेस ऑफ कटिंग एज को ये गवर्न करेंगे इसलिए हम बात करते हैं इसको क्या लगा रहे हैं इसको हम इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं इसको हम इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं ठीक है तो ये हमारा क्या होता है ये डी होगा अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा डी होगा जिसको हम डी आई डी वन को डी आई और डी टू को डी आउट लिख सकते हैं ये हमारा जो निकल करके आता है वो D3 होता है और ये हमारा निकल करके आता है कितना डी फोर निकल करके आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा डी फोर निकल करके आएगा तो यह हम बात करेंगे ये हमें ध्यान रखनी है है ठीक चलो इनसे ही हम सारे पैरामीटर निकाल रहे होते हैं नंबर की बात करेंगे सेवेंथ की बात करो फटाफट से आंसर दो सेवेंथ की बात करो फटाफट से आंसर दो फटाफट से और ये बच्चे कहाँ गए आज सारे के सारे बच्चे कहाँ गए बताया था इनको डेली दस बजे आना है बड़ा बड़ा सेशन को शेयर और लाइक मारो एक बार चलो एओलियन तो फॉर्म फॉर्म विंड। विंड निकल करके आएंगे अगर एल्यूबियल सॉइल की बात करें तो किसके द्वारा रिवर के द्वारा अगर हम बात करेंगे किसके द्वारा रिवर के द्वारा मरीन सॉइल किसके ओरिजन की होती है मरीन ओरिजन की सॉइल होती है और मरीन ओरिजन की सॉइल होगी तो ठीक है

कौन सा सॉइल बनता है लीचिंग प्रोसेस से कौन सा सॉइल बनता है लीचिंग प्रोसेस से अरे विष्णु जी भी आए हैं बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग नहीं पता नहीं पता लीचिंग प्रोसेस से ऑर्गेनिक बनेगा पक्का अबे पीठ तो ऑर्गेनिक होते ही है लीचिंग प्रोसेस से कौन सा बनता है ये बताओ मुझे जल्दी फटाफट भड़। अगर मैं बात करूं तो लीचिंग प्रोसेस से जो सॉइल बनता है उसको हम बोलते हैं लेटराइट सोइल कौन सा लेटराइट सोइल right कौन सा लेटराइट सोइल right की बात करेंगे तो लेटराइट सॉइल बन रहा होता है ध्यान रखना ये क्वेश्चन आने वाला है इस साल इस साल आने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल आएगा फटाफट भड़। नेक्स्ट का आंसर बताओ द सैंपल ऑफ ड्राई कोहेशनलेस लेस

दो सौ पक्का देखो हमें लगाना है फाइव स्टार इक्वेशन अगर हम बात करें तो स्ट्रेस रिलेशनशिप लगाना है स्ट्रेस रिलेशनशिप सिग्मा वन इज इक्वल टू कितना होता है सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाई टू अपॉन कितना होगा टू सी टेन फोर्टी फाइव प्लस फाइव आई टू ठीक है फोर्टी फाइव प्लस फाइव आई टू देखो पहले तो बोल दिया कोस कोस का मतलब क्या होता है

हमें निकालना है डेविएटर तो डेविएटर इज इक्वल टू कितना होगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री निकल करके आएगा तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 200 सौ निकल करके आ जाएगी तो 200 यूनिट की बात करेंगे 200 यूनिट हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 200 यूनिट क्या हो जाएगा राइट आंसर निकल करके। अब अच्छा एक और चीज क्या इसमें कोई और फॉर्मूला भी लग सकता है एक और फॉर्मूला लग सकता है क्या साइन फाइव इज इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री अपॉन सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री लग सकता है बिल्कुल लग सकता है एक और फॉर्मूला लग सकता है क्या सिग्मा वन अपॉन सिग्मा थ्री सिग्मा वन अपॉन सिग्मा थ्री इज इक्वल टू वन प्लस साइन फाइव अपॉन वन माइनस साइन फाइव क्या यह फॉर्मूला भी लग सकता है क्या यह फॉर्मूला भी लग सकता है सिग्मा वन बाई सिग्मा थ्री इज इक्वल टू वन प्लस साइन फाइव अपॉन वन माइनस साइन फाइव ये फॉर्मूला भी लग सकता है बिल्कुल लग सकता है तो कितना भी अगर हम बात करें कोई भी एक फॉर्मुला याद हो इनमें से तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं को सॉल्व कर सकते हैं नंबर की की बात बात करेंगे तो हमारा इस कंडीशन में निकल के आएगा की बात करो फटाफट से हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफाइड द द ऑन बेसिस ऑन द अगर हाईवे रिसर्च बोर्ड की बात करते हैं किस किस बेसिस पर हमारे सॉइल को क्लासीफाई करता है किस किस बेसिस पर हमारे सॉइल को क्लासीफाई कर रहा होता है किस किस बेसिस पर हमारे को क्लासिफाई करता है तो देखो हाईवे रिसर्च बोर्ड का मतलब क्या है ग्रुप इंडेक्स मेथड होगा या नहीं और ग्रुप इंडेक्स मेथड की बात करें तो ग्रुप इंडेक्स किस पर बेस्ड होता है ग्रुप इंडेक्स, पार्टिकल मतलब फाइननेस। अगर हम देखें, तो फाइननेस। और अगर हम देखें किस पर प्लास्टिसिटी नंबर कौन सा थ्री इज द राइट आंसर होगा अगर ग्रुप इंडेक्स की बात करें तो ग्रुप टू कितना होता है जीरो पॉइंट टू ए प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन अगर हम बात करते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन बी डी प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो सी ए निकल करके आएगा जहां ए और बी की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए चालीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए सुन रहे हो बात को किससे ज्यादा चालीस से ज्यादा और सी और डी की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सी और डी की वैल्यू किससे बीस से, से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है अगर मैंने देखा तो ग्रुप इंडेक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है फटाफट से एक बार सेशन को शेयर और लाइक मानना यार फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक करो और जल्दी से जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से जल्दी बताओ फटाफट से क्या होगा तो अगर मैं बात करता हूं तो कितना जीरो से लेकर के बीस तक वैल्यू निकल करके आती है कहा जीरो से लेकर के कहा बीस तक वैल्यू निकल करके आ रही होती है तो जीरो से लेकर के बीस तक वैल्यू यहां पर निकल करके आ रही होती है। जो कि हमें यहां पर क्या रखना है ध्यान रखना है जो कि हमें क्या रखना है ध्यान रखना है अच्छा एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा एक और चीज अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है तो सॉइल की क्वालिटी क्या होगी घटेगी या बढ़ेगी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉइल की क्वालिटी घटती है या बढ़ती है सोइल की क्वालिटी क्या होगी डिक्रीज होगी और एचआरबी के अकॉर्डिंग को कितनी कैटेगरी में डिफाइन किया गया है एचआरबी के अकॉर्डिंग को कितनी कैटेगरी में डिफाइन किया गया है तो एचआरबी के अकॉर्डिंग सॉइल को कितनी सात कैटेगरी में डिफाइन किया गया है कितनी सात कैटेगरी में डिफाइन किया गया है? तो, तो नाइन्थ की बात करेंगे ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलो टेंथ की बात करो फटाफट से

अगर हम बात करते हैं एक दूसरे से कितने पे होंगे तो तो देखो अगर हम देखें तो इस तरीके से, 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 से आंसर तो क्या होगा नाइनटी डिग्री अच्छा वेन शेयर टेस्ट के अंदर टू शेयर और वन वे शेयर होता है अगर मैं टू शेयर की बात करूं तो बताओ शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फॉर्मुला क्या होगा शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कितना होगा शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कितना होगा अगर हम बात शेयर स्ट्रेंथ अगर पाई डी डी स्क्वायर एच प्लस वाई यही निकल करके आएगा क्या एच वाई टू प्लस डी डीवाई सिक्स निकल करके आएगा और अगर वन वे शेयर की मैं बात कर लेता हूं वन वे शेयर की बात करता हूं तो एस इज इक्वल टू टी अपॉन टी अपॉन पाई डी स्क्वायर अगर देखा जाए तो एच वाई टू प्लस डी वाई ट्वेल्व निकल करके आएगा क्या ये सही लिखा है क्या ये सही लिखा है तो वन वे में कितना डीवाई ट्वेल्व और टू वे में कितना डीवाई सिक्स अच्छा अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा अगर ये वेन्स की बात कर रहा है तो वेन्स का इस मेथड को क्या लेब में करते हैं या फील्ड में करते हैं क्या लैब में करते हैं या फील्ड में करते हैं फटाफट बताओ लैब में ही परफॉर्म करोगे या फील्ड में भी परफॉर्म करोगे लैब में ही परफॉर्म करोगे या फील्ड में भी परफॉर्म करोगे तो क्या होगा दोनों जगह पर परफॉर्म करते हैं बट दोनों जगह पर जो डायमेंशन होंगे के के वो अलग-अलग निकल कितनी होगी और फील्ड में वेन्स की हाइट कितनी, कितनी, कितनी होगी तो ध्यान रखना वेन्स की जो हाइट निकल करके आएगी लैब में अप्रोक्सीमेट ट्वेंटी एम एम होता है और अगर हम बात करते हैं अगर फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में कितना 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच होता है ठीक है 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच होता है ठीक है 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच होगा जबकि हम बात करेंगे लैब में 20 एम mm एम निकल करके आता है कितना 20 एम mm एम निकल करके आ रहा होता है तो ये चीजें ध्यान रखना है ठीक है ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है सभी को क्लियर है बात क्लियर है बात चलो

यह किसका शेप फॉलो करता है ये बेस पैराबोला का शेप फॉलो करता है तो इक्ट लाइन होता है क्या इक्ट लाइन क्या होती है वो लाइन जिसपे हम बात करते हैं सारी की सारी वैल्यू हम बात करते हैं क्या होती है सारी की सारी हम बात करते हैं यहाँ पर सेम आएगा जो पोटेंशियल होगा सेम तो ये भी क्या है इक्व लाइन नहीं है ये क्या है सीपेज लाइन है ये इक्ु लाइन नहीं है ये फ्लो लाइन है बेटा इक्व अभी उठा के फेंकूंगा ना ऐसा पहले दिन में ही यहां से सीधे गोवा गिरोगे तुम ऐसा फेंकूंगा उठा के कि सीधे सीधे गोवा में जाके गिरोगे सब, के सब जो ये दो तीन चार बोल रहे हैं ये जो दो, तीन, चार बोल रहे हैं ना सबके सब गोवा में जाके करेंगे क्या होगा इक्ुपोटेंशियल लाइन होती है या फ्लो लाइन होती है फ्लो लाइन होती है फ्रीटिक लाइन फ्रीटिक लाइन क्या होती है फ्लो लाइन निकल करके आती है फ्लो लाइन होती है क्यूपोटेंशियल लाइन नहीं होती है ध्यान रखो अबे बहा मौज करने के लिए तो पैसा चाहिए मैं तो फेंक दूंगा बिना पैसों के मौज कर लेंगे ये होती है पॉजिटिविटी बिना पैसों के मैज कर लेंगे मतलब बच्चे पहुंच भी जाएंगे वहां से आओगे कैसे वापस अबे सामंत रिवाइज कर भाई रिवाइज कर रिवाइज कर फ्लो लाइन का मतलब क्या होता है जहां से पानी फ्लो होगा वो फ्लो लाइन है और फ्रीटिक लाइन के थ्रू पानी फ्लो होता है इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है जहां पर पोटेंशियल सम विभव इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है सम विभव सम विभव रेखाएं सम विभव रेखाए ठीक है सम विभव रेखाएं बहुत बढ़िया तो हम बात करेंगे सम विभव रेखाएं अलग होती हैं तो हम बात करेंगे तो ये गलत हो गया तो जैसे जैसे फ्रीटिक लाइन के नीचे जाएंगे तो क्या सा होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आएगा और फ्रीटिक लाइन के ऊपर कौन सा रहता है या फ्रीटिक लाइन पर कौन सा होता है तो अगर हम बात करते हैं फ्रियटिक लाइन पर जो प्रेशर निकल करके आता है वो क्या होता है वो हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रीएटिक लाइन पर जो प्रेशर होता है वो एटमोस्फेरिक होता है वो क्या होता है एटमोस्फेरिक होता है ठीक है तो हम बात करते हैं वो कंडीशन है और अप्रोक्सी पैराबोला तो सही बात है बेस पैराबोला को फॉलो करेगा तो थ्री और फोर इज द राइट आंसर देखो मैंने कल भी बोला था जितनी भी ये क्रिकेट है ना सब छोड़ दो अब क्रिकेट मतलब कि ये नहीं है वो नहीं है सर ये भी हो गया है वो भी हो गया है जो रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज करना सीखो सबसे पहले तो अपने दिमाग से टेंशन निकालना सोच दो सबसे पहले अपने दिमाग से टेंशन निकालना छोड़ दो टेंशन रखना छोड़ दो जितना टेंशन रखोगे उतना दिक्कत होगी और जो क्रिकेट करना है वो करना छोड़ दो कि ये नहीं है वो नहीं है जितने रिसोर्सेस है उनमें तो करो आज तो तुम्हारे पास इंटरनेट है तुम कहीं से भी कोई भी नोट्स उठा सकते हो जब सोचो जब कलाम साहब ने लालटेन में पढ़ करके कोई रिसोर्सेस ना हो करके रिसोर्सेज जोड़ जोड़ के मिसाइल मैन बन सकता है एक व्यक्ति तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो जबकि तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है।, है ना क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम करो ना जहाँ चाहे वहां रहा है, मिलेगा ऊपर वाला रास्ता दे देगा तुम पहले आगे तो बढ़ो तुम वहीं बैठे अरे मेरे पास ये नहीं है अरे मेरे पास वो नहीं है अरे मैंने तो ये नहीं किया अरे इसमें वैकेंसी कम है इसलिए फॉर्म नहीं भरूंगा अरे ये भी हो गया अरे सिविल की वैकेंसी आ नहीं रही अरे क्या करना तुमको बहुत बढ़िया समझे छोड़ो और आगे बढ़ो चलो तो हम इलेवेंथ नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर थ्री तुम बस कोशिश करते रहो तुम्हें रास्ता जरूर मिलेगा कोशिश करते रहो सर उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई सर मेरी वाली भी मेरे से लड़ा रही है सर ये भी हो रहा है अबे यार जो लड़ रहा है ना तो उसको हटाओ तुम्हें क्या करना है अभी बताया ना शुरुआत में सेशन के शुरू में क्या बताया मुस्कुराओ मुस्कुराओ बस मुस्कुराओ और छोड़ दो जो तुमसे आज साथ नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली वो तुम्हारे लिए है ही नहीं सिंपल सी बात है ठीक है चलो अच्छा आज कीर्ति भी आई है काफी दिनों बाद चलो डायलेटेंसी करेक्शन एसपीटी अप्लाइड अगर डायलटेंसी करेक्शन बात करें कहाचुरटेड सॉइल के अंदर होता है फाइन सिल्टी सैचुरेटेड के अंदर होता हो सकता है तो ये कंडीशन निकल करके आएगा ठीक है बारह नंबर की बात करें तेरह नंबर की बात करो फटाफट से भैया वो फोन इसलिए आया था कि वैभव सर का वीडियो शेयर करो तुम लोग को नहीं पता है तो जैसे मैं बोलता हूँ शेयर द सेशन कर दो शेयर क्या जा रहा है तुम्हारा शेयर करो हाँ बोले पहले लाइक करो वीडियो शेयर करो तब तो आगे की बात होगी चलो फटाफट बताओ फटाफट बताओ को नंबर चेंज कर लो हम अपनी आइडेंटिटी क्यों बदलें हद करते हो यार

क्योंकि इन सॉइल का वेट बहुत ज्यादा होगा तो वेट के कारण से इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ अपवर्ड फ्लो की कंडीशन में ऊपर की तरफ ले जाना पॉसिबल नहीं होगा ठीक है तो इसलिए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बिल्कुल सही बात है इनका कोहेशन बना रहेगा और कोहेशन के कारण इनको आसानी से हम बात करते हैं क्विक सेंड नहीं हो पाएगा तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर दो जो है फोर जो है वो हमारा सही हो जाएगा यहां पर ए इज फॉल्स बट आर एस ट्रू ए इज फॉल्स पर आर एस ट्रू निकल करके आएगा ए इज फॉल्स बट आर एस ट्रू निकल करके आएगा ठीक है चलो तेरह नंबर की बात करेंगे चौदह नंबर का आंसर दो फटाफट से मैच द फॉलोइंग चौदह नंबर का आंसर दो फटाफट से मैच द फॉलोइंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीहू को आज समझ में आ रहा है पीहू को आज समझ में आ रहा है इतने दिन से बातें करने से फुर्सत नहीं है ना इसको फटाफट से बताओ क्या होगा मैच लिस्ट वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड लिस्ट टू ग्रुप सिंबल ऑफ आई एस क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स बिलो देखो अगर लो कंप्रेसिबल है तो लिक्विड लिमिट क्या होगा पैतीस से कम होगा अगर मीडियम कंप्रेसिबल है तो 35 से 50 होगा और 50 से ज्यादा होने पे क्या होगा

तीन निकल करके आएगा तो एक का तीन निकल करके आया तो ये दोनों तो गायब हो गए ठीक है थीके? अब पुअरली ग्रेडेड सैंड की बात करते हैं किसकी पुअरली ग्रेडेड सैंड की बात करेंगे अगर पुअरली ग्रेडेड सैंड की बात करेंगे

निकल 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 आएगा? 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 तो 14 की की बात बात करें हमारा right answer नहीं होगा। 15 की बात करो फटाफट फिफ्टीन का आंसर क्या होगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्लिप फेल्योर सरफेस अगर स्लिप फेल्योर सरफेस की बात की तो इसके रिगार्डिंग बताइए क्या होगा स्लिप फेल्योर सरफेस की बात की तो क्या होगा

सर्कुलर फेलियर इज ऑल्सो नॉन इज दर नहीं सर्कुलर फेलियर कभी भी कंपोजिट फेलियर के नाम से डिफाइन नहीं होगा ठीक है तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक कंडीशन निकल करके आएगा ठीक है तो हम बात करते हैं यहाँ पर

बेटा ऐसा होता है ना यार कि यार ये मेरे ऊपर नहीं है यार ठीक है और भी चीजें हैं और भी चीजें होती है ठीक है थीके? देखो ये क्लासेस और आपकी पेड वेज की क्लासेस दोनों डिफरेंट है दोनों डिफरेंट किस सेंस में है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं यहां आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलता है डिफरेंट क्वेश्चन को एक साथ तो आप चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं बट

बेस्ट सुटेड मेथड मटेरियल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ ब्लैक कॉटन स्टेबलाइजेशन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए कौन सा होगा तो स्टेबलाइजेशन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए क्या होगा हाइड्रेटेड लाइम निकल करके आ रहा होता है कौन सा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यहां पर बिल्कुल तो हम बात करेंगे यहां पर क्या होगा हमारा निकल करके आएगा हाइड्रेटेड लाइन निकल करके आएगा अगर हमने बिटुमिन की बात की तो बिटुमिन किसके लिए होता है सॉइल के लिए निकल करके आता है कौन सा ग्रेनुलर सॉइल के लिए निकल करके आ रहा होता है की के लिए तो दो जल्दी से सत्रह नंबर का आंसर बताओ फटाफट से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस की बात करते ठीक है फटाफट बताओ फटाफट बताओ फटाफट आंसर दो सत्रह नंबर का क्या होगा अगर हम बात करते इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द सॉइल ग्रेडेशंस इंप्रूव्स तो हमें क्या निकालना है इनकरेक्ट निकालना है तो हमने बात किया है का उसके बीच का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा ठीक है इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजे बिल्कुल अगर अगर हम देखें किले किले का साइज पार्टिकल साइज छोटा है तो वहां पर फ्रिक्शन एंगल कितना जीरो फिर सिल्ट आया सिल्ट के बाद सैंड आया सैंड के बाद ग्रेवल आया तो ग्रेवल में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन एंगल हमें मिल सकता है तो इसलिए ये सही हो गया इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ फोर्टी फाइव गलत बात है तो हम बात करते हैं इट इज नॉट लिमिटेड टू फोर्टी फाइव डिग्री इट इज नॉट लिमिटेड टू फोर्टी फाइव डिग्री एंड इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस इज रियली मोर देन थर्टी थर्टी डिग्री थर्टी मिनट फॉर अ फाइन सॉइल थर्टी डिग्री हम बात करते हैं यहाँ पर थर्टी डिग्री जो निकल करके आएगा रियली थर्टी डिग्री से ज्यादा होगा किसके लिए फाइन लिए बिल्कुल सही निकल करके आता है ठीक है तो हम बात करेंगे यहाँ पर निकालना है इनकरेक्ट और इनकरेक्ट कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन नंबर थ्री जो हो गया वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकल करके आ रहा है ठीक है चलो एटीन का आंसर दो फटाफट से एटीन का आंसर दो क्या हुआ क्या हुआ सर 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 क्या बोल रहे हो सर शेयरिंग एंगल तब कितने पर होता है लिमिटेड होता है तो मैं समझा नहीं बेटा लिमिटेड नहीं बोलते हैं उसको लिमिटेड हम बात करते हैं डिफरेंट टेस्ट की कंडीशन डिफरेंट लिमिटेशंस हैं और उनके बेसिस पर हम शेयरिंग एंगल लिमिटेड करेंगे उनके बेसिस पर हम शेयरिंग एंगल लिमिटेड करते हैं ठीक है थीके? उनके बेसिस पर शेयरिंग एंगल लिमिटेड होता है ठीक है चलो तो हम बात करें इन कंप्रेशन टेस्ट ऑन सैंपल पिहू एंड ट्राइक्शल कल परसों भी यही बातें हुई थी तुम पूरी क्लास को दोनों लोग डिस्टर्ब कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है कि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है अपन को क्या बोला था ना परेशान किसी को कीजिए ना हैरान किसी को कीजिए कोई लाख गलत भी बोले कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए बोला था या नहीं समझ में ही नहीं आता है समझ में ही नहीं आता है ना परेशान किसी को कीजिए ना हैरान किसी को कीजिए कोई लाख गलत भी बोले तो मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए ठीक है चलो इन क्योंकि जिंदगी निकल जाएगी एक दूसरे की गलतियां बताने में

तो अगर देखो क्या करते हैं जब हम टेस्ट करते हैं शेयरिंग टेस्ट तो चारों तरफ से क्या लगाते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं और कन्फाइनिंग प्रेशर क्या रहता है सेम मतलब दो डायरेक्शन अगर एक्स और वाई कंसिडर कर ले वहां पर तो दो डायरेक्शन में सेम रहेगा बट जेड डायरेक्शन जो होती है वो एक्चुअल डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन में क्या करते हैं स्ट्रेसेस बढ़ाते हैं तो एक डायरेक्शन में स्ट्रेसेस बढ़ाते हैं बाकी दो डायरेक्शन में सेम रखते हैं बाकी दो डायरेक्शन में क्या रखते है? हैं सेम रखते हैं इसलिए हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर होगा नाइनटीन

ठीक है तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर इज गिवन बाय अगर टेलर स्टेबिलिटी नंबर की बात करें तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर किससे दिया जाता है अपन हम बात करते हैं सी अपॉन गामा एच सी फाइव निकल करके आता है एफ सी क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी है तो हम बात करते हैं यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल करके आएगा अगर टेलर स्टेबिलिटी नंबर की बात करेंगे तो कितना होता है पॉइंट टू सिक्स वन निकल करके आता है मैक्सिमम वैल्यू जो कि 30 डिग्री एंगल पर होगा और अगर हम थ्योरिटिकल बात करें तो पॉइंट होगा जो कि हमारा फोर्टी डिग्री पर निकल करके आता है कितना फोर्टी डिग्री पर निकल करके आ रहा होता तो नाइनटीन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर ठीक है ट्वेंटी की बात करो फटाफट से ट्वेंटी का आंसर क्या होगा ओ हो 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 बहुत प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन बहुत प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन बहुत प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन है बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा बता दो फटाफट से आंसर क्या होगा रे बाबा चलो फटाफट बताओ बी होगा चलो तो अगर हम जानते हैं बी एस इज इक्वल टू कितना है वी अपॉन एन बी अपॉन एन और अगर रेशियो दिया तो एन इज इक्वल टू कितना होगा ई अपॉन वन प्लस ई

बहुत बढ़िया बता रहा हूं देखो अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं रिमोल्डेड सॉइल है तो रिमोल्डेड सॉइल के लिए कितना होता है अगर सॉरी चलो अंडरस्टर्ब के लिए देखे तो अंडरस्टर्ब के लिए कितना होता है रिमोल्डेड के लिए होता है सीसी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन डब्लूएल माइनस टेन होता है यानी डब्लू एल माइनस टेन होता है यानी यस और नो हाँ ना फिर अगर हम देखें हॉक्स कंप्रेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग कितना होता है सीसी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री ई नॉट माइनस पॉइंट टू सेवन निकल करके आएगा कितना ई नॉट माइनस पॉइंट टू सेवन निकल करके आता है

दोनों में दस होगा यार दोनों में दस ही तो लिखा है यार कहा रह जाते हो सामान दोनों में दस होगा यार दोनों में दस ही तो लिखा है यार किसी किसी बातें कर रहे हो ये परसेंटेज में रखना है लिक्विड लिमिट बस लिक्विड लिमिट परसेंटेज में रखना है इतना करना है लिक्विड लिमिट परसेंटेज में रखना है ठीक है लिक्विड लिमिट परसेंटेज में रखना है तो देखो यहाँ पर लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर देख लो यहाँ पर एस पर आई देखो आई एस के कल पूरे क्वेश्चन करवाए थे ठीक है तो ये वाला सेशन सभी लोग एक बार जरूर देख लेना यार आई एस फोर फाइव सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी लोग देख लेना ठीक है तो हम बात करेंगे सभी लोग यहां पर देख लेना ठीक है मास्टर क्लास साढ़े ग्यारह पे होगी मास्टर क्लास साढ़े ग्यारह पे होगी ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यहां पर देखो हम बात करेंगे एस पर आईएस ठीक है तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एस पर आई एस हम बात करते हैं द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम क्या निकल गया आएगा तो इट इज लेंथ थ्रू नंबर फोर जो यहाँ पर सही हो जाता है अब ये कैसे आ गया ठीक है ये क्या हो गया भाई ये क्या हो गया इसको ये कहां से आ गया है चलो तो हो गया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चालू हो गया बहुत बढ़िया चलो बहुत बढ़िया चलो सब साइड तो इट्स लेंथ फेस सपोर्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निकल करके आएगा तो ये कंडीशन निकल करके आएगा ठीक है तो हम करें ऑटोनोमस ऑफ कर दिया है तो हम ये कंडीशन निकल करके आएगी ठीक है तो यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति ने आंसर दिया अरिल वो भी गलत है हम बात करें ऑप्शन नंबर फोर जो होगा वो हमारा सही आंसर निकल करके आएगा ठीक है नेक्स्ट बात करूंगा पर पर देखो ऐप हाँ, होगी वो क्लास आपकी ऐप पर होगी यहाँ से टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ क्या होगा हम बात करते हैं यहाँ पर ये यह कंडीशन कैसा लगा आपको सेशन जल्द बताना ठीक है तो हम बात करते हैं यहाँ पर ये यह कंडीशन निकल कर आएगा और कमेंट सेक्शन बताओ सेशन कैसा लगा अब ए जेई के लिए आज तुम्हारे लिए हम बात करते हैं बहुत अच्छा दिन है शुभ दिन है अपना अपने सब्सक्रिप्शन को इनोल कर लो अगर हम बात करते हैं चौबीस के लिए चौबीस के लिए मिशन सिलेक्शन बैच यहाँ पर निकल करके आ गया है और ए आई ए टी सी की प्रैक्टिस बेस्टर बै, बूस्टर बैच है साथ ही साथ हमारा सफलता बैच भी आपको यहाँ पर मिल रहा है और मेरा डीडीए जेई का भी बैच आपको यहाँ पर मिलने वाला है तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी और उसके साथ साथ आपको बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा हमारा स्टडी नोट्स मिलेगा छह हजार सेशंस मिलेंगे और आज की डेट में मंथ सब्सक्रिप्शन बुक के साथ में और विदाउट बुक फोर सिक्स में यहाँ पर कोड अप्लाई करोगे आप वो क्या कोड होगा वो कोड होगा वैभव ठीक है वी 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 ए ए आई एच और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई करोगे तो यही जो होगा वो आपका टू सेवन सेवन वन अबे सिक्स मंथ का टू सेवन सेवन वन देख रहे हो सिक्स मंथ टू सेवन सेवन वन ठीक है तो समझो कितना आज मिल रहा है तुम्हें कितना टू सेवन सेवन वन में मिल रहा है टू सेवन सेवन वन में वैभव कोड के साथ सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो आज ही एनरोल कर मारो विदाउट एनी डिले ठीक है बिना सोचे समझे जाओ और अपने आप को एनरोल करो टू सेवन सेवन वन में विदाउट एनी डिले सिक्स मंथ क्लियर है बात मतलब 47 से 27 आ गए 47 से 27 ठीक है चलो जाते जाते वीडियो को बिल्कुल बहुत बढ़िया डिजिटल एंड वंस अगेन आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं ठीक है सो थैंक यू अभिमान मिलते हैं एक छोटे से बाद लव यू गाइस